नमस्कार। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ओर से आप सभी को नमस्ते। रक्षा देवी भेड़खंड निवासी का जो मामला है वो ज्वाली प्रशासन ने काफ़ी उलझा दिया है। मुझे नहीं पता कि उसमें उनकी व्यक्तिगत इंटेंशन क्या है, क्योंकि जब अवार्ड हो चुका है रक्षा देवी के नाम पे, ज़मीन उनके नाम पे है, अवार्ड उनके नाम पे हो गया और आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वो अवार्ड बनाया, और अब जो है वो उनको पैसे देने में दिक्कत क्या आ रही है? जबकि जिन एसडीएम साहब ने ये अवार्ड बनाया था उनका साफ कहना था कि ये पेमेंट जो है, जो बिल्डिंग का अवार्ड है, ये आपके नाम पे बना तो आप ही को मिलेगा, और उसके रहते जो पूरी फॉर्मेलिटी थी वो पंचायत प्रधान या तहसीलदार साहब या लोग थे, जो लोकल थे वहाँ ने सबने एफिडेविट बनाकर ये दिया है कि ये जो रक्षा देवी के नाम पे ज़मीन है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उसमें जो उनके साथ जो जो खुद का डिस्प्यूट बताते हैं उनको पेमेंट कर दी बिल्डिंग की। जब उनको पेमेंट बिल्डिंग की कर दी तो रक्षा देवी को भी दे देनी चाहिए, और एसडीएम ये अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसलिए वो उनको काला कहा गया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लैंड एक्वाइजेशन, क्योंकि उनके पास ये पावरें हैं कि बिल्डिंग का, मैंने देखा कि ज़मीन का और बिल्डिंग का मैक्सिमम जगह पे जो मुश्तरके खाते रहते हैं तो उसमें दिक्कत रहती थी, परंतु एसडीएम ने मौके पे जाके वहाँ के स्थानीय लोगों को लेके, स्थानीय पंचायत को लेके, उनसे जो कंक्लूजन निकला, उन्होंने जो दिया कि यहाँ पे ये बिल्डिंग जो है ये इन लोगों की है, इन्होंने बनाई है, ये यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको वो अवार्ड दिए गए हैं, और बहुत सारे केसेस में नहीं दिए गए हैं। मेरे पास 50 ऐसे केस हैं जहाँ पे लोगों ने बोला, बिल्कुल सही बोला, कि ये बिल्डिंग जो है वो फला आदमी ने बनाई हुई है, उनका जमीन का विवाद था तो जमीन की जो पेमेंट थी वो लोगों में बढ़ गई, वो भाइयों में बढ़ गई, परंतु जो बिल्डिंग का था, क्योंकि बिल्डिंग कोई भी चार आदमी हिस्सेदार नहीं होते, क्योंकि चारों ने मिलके वो एक घर बनाया होता है, वो हमेशा अकेले व्यक्ति का होता है, और उसमें रक्षा देवी का वो जो बनाया हुआ है घर, उसकी पेमेंट उसको मिलनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एसडीएम ज्वाली जो प्रशासन है वो इसको क्यों लटका रहा है। 2 साल हो गया, उनके जीवन भर की जमा पूंजी जो है वो वहाँ पर लगी हुई है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूँ, कि मैंने देखा है कि एसडीएम ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई अवार्ड जो थे वो ना चाहते हुए भी उन लोगों के नाम कर दिए जिनका उस बिल्डिंग में कोई भी हिस्सेदारी नहीं थी, परंतु जो हमें वो जो बताते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि पंचायत ने बोल दिया तो हमें देना पड़ता है, तो भाई यहाँ पे भी पंचायत ही बोल रही है, यहाँ पे भी पूरे लोग बोल रहे हैं, उनके नाम पे बिजली का मीटर लगा हुआ है, उनके नाम पे नलका लगा हुआ है, तो आप वो रक्षा देवी के नाम पे अवार्ड है तो आप उसको दें। हमने मैक्सिमम अधिकारियों को लिखा है, और चीफ सेक्रेटरी साहब की 2 मेल मुझे आ चुकी हैं, पीडी साहब का लेटर आ चुका है, आज भी मेरी बात हुई है पीडी साहब से कि उन्होंने कहा कि हम लोग देखते हैं एसडीएम साहब से दोबारा बात कर दें, क्योंकि हमने अपने एंड से जो है वो सारी पेमेंट कर दी है, अब एसडीएम ज्वाली को क्या समस्या है वे वही जाने। अब एसडीएम ज्वाली से मैं मिला था तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर केस है, तो मैंने कहा कि आप केस बताएं कि रक्षा देवी के ऊपर कौन सा केस है, तो वो एक भी डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं दिखाया, मेरे सारी वर्बली बातें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसी उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में इसकी जांच हो, क्योंकि वो जो समस्याएं हैं वो हमने लिखित में उन उच्च अधिकारियों को भेजी हैं, और जल्द हम लोग 1-2 दिन में नए जो डीसी साहब हमारे आए हैं हम उनसे मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, मैं रक्षा देवी, वाइफ ऑफ श्री तेजा सिंह, गांव बला बेड़खड की स्थायी निवासी हूँ। मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहती हूँ। जमीन मेरे नाम पर है, उस पर बनी बिल्डिंग भी मेरे नाम पर है, गांव के सभी व्यक्तियों की पेमेंट हो गई है, परंतु मेरी दो वर्ष से ज्वाली प्रशासन ने पेमेंट नहीं की। इसका अवार्ड भी मेरे नाम से हुआ है। ज्वाली प्रशासन की वजह से मुझे बहुत परेशान किया जा रहा, ना ही मेरे वार्ड को किसी ने चैलेंज किया है और ना ही कोई कानूनी रुकावट है, जबकि NHAI द्वारा ज्वाली में तैनात रिटायर कानगो वकील सिंह अपने अफसर को भ्रमित किया जा रहा है। मेरी जीवन भर की पूंजी यहाँ लगी है, जबकि NHAI द्वारा मेरी जमीन अधिग्रहण कर ली गई है और सड़क का कार्य जारी है। NHAI ने मेरी पेमेंट जारी कर दी है, परंतु ज्वाली SDM द्वारा मुझे मेरी पेमेंट रोककर मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जबकि पूरा गांव और पूरी पंचायत सहित लिखित में दिया है कि मकान नंबर 11/1 और दुकानें 31/1
मेरे नाम पर हैं। कृपया आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और मुझे जल्दी पेमेंट रिलीज करवा कर न्याय दिलवाएं। प्रशासन की वजह से मैं बहुत परेशान हूं, ऐसा ना हो मैं गलत कदम उठा लूं। कृपया इसका जल्दी समाधान करें। धन्यवाद।